हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। पार्ट ऑफ वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रोल ऑफ अकाउंटिंग। व्हाट इज द रोल ऑफ अकाउंटिंग इन द बिजनेस इंटरप्राइजेज या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए अकाउंटिंग का क्या रोल है, इसके बारे में नॉलेज आपको देना जरूरी है, क्योंकि हम आखिर अकाउंटिंग क्यों करें, अकाउंटिंग की क्या रोल है किसी कंपनी या किसी बिजनेस इंटरप्राइजेज में, उससे क्या हमको बेनिफिट मिल रहा है या क्या कुछ चीज़ें हैं। तो रोल ऑफ अकाउंटिंग की बात करें तो रोल ऑफ अकाउंटिंग हैज बीन चेंजिंग विद द चेंजेस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंक्रीजिंग द सोशल डिमांड। तो एनवायरनमेंट चेंज होता है, वैसे वैसे हम अपना जो सोशल डिमांड होती है, जो लोगों की डिमांड होती है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, अपना अकाउंटिंग को चेंज भी करते हैं ओवर द कंट्री। और सारे द रोल ऑफ अकाउंटिंग रिमेन कॉन्फिंड टू द रिकॉर्ड कीपिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन मनी, बट टूडे रैपिडली चेंजिंग बिजनेस इन्वायरमेंट है चेंज रोल ऑफ अकाउंटिंग एंड एट प्रेजेंट द अकाउंटिंग प्लेज द फॉलोइंग डिफरेंट रोल्स। देखिए, आज के समय में जैसा कि बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, आप देख रहे हैं ढेर सारे कंपनी मॉडर्नाइज हो रही है और नए नए प्रोडक्ट लॉन्च किए जा रहे हैं, नए नए प्रोडक्ट में प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है और डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं, नई नई कंपनियां ओपन हो रही हैं, MNC आ रहे हैं, विदेशी कंपनियां वो भी आ रही हैं। तो इससे क्या होता है कि जो हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट जो चेंज हो रहा है, जो कंपनियाँ चेंज हो रही हैं, प्रोडक्ट चेंज हो रहे हैं, इसके कारण भी अकाउंटिंग जो होता है, जैसा बिजनेस का सेम साइज एंड लोकेशन और जो नेचर होता है बिजनेस का, उसके हिसाब से हमें अकाउंटिंग भी चेंज करना। फर्स्ट जो रोल है, रोल ऑफ ए लैंग्वेज, क्योंकि अकाउंटिंग क्या है, एक लैंग्वेज है जिसमें हम अपने ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने का काम करते हैं। जैसे हम क्या बात है कि जनरली हम अपनी अपनी बातों को कहते सुनते हैं किसी से, तो हमारे अपने लैंग्वेज में हम बात करते हैं, हम पढ़ते लिखते हैं, तो उसका भी एक लैंग्वेज है, ठीक है। हम अपनी बातों को कैसे रिप्रेजेंट करें दूसरे के आगे, वो भी एक लैंग्वेज है। वैसे ही हम जो अकाउंटिंग, ये भी एक सब्जेक्ट है, इसको भी करने का एक पर्टिकुलर लैंग्वेज है, वो किस लैंग्वेज का इस्तेमाल इस अकाउंटिंग वर्क में करेंगे। तो एक भाषा के रूप में इस भी इसका रोल है। अकाउंटिंग इज अ व्यूड एज अ लैंग्वेज एंड बिजनेस बिकॉज इट प्रिपेयर्स रिपोर्ट एंड स्टेटमेंट्स व्हिच कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द बिजनेस इंटरप्राइजेस। तो इसका पर्टिकुलर एक लैंग्वेज, एक भाषा होनी चाहिए, जैसे कि हम किसी को अगर बताना चाहें कि हमारी कंपनी की क्या पोजिशन है, तो हम उसको अच्छे से बता सकें। नेक्स्ट, कंपनी का एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड मेंटेन होता है। जैसे सपोज करें कि कोई कंपनी आपकी 1980 में खुली हुई है और 1980 से लेकर अब तक वो कंपनी ग्रोथ कर रही है, तो 1980 से ही उसकी अकाउंटिंग शुरू हो गई है, यानी कि अब तक का उसका एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कंपनी के पास रहता है, मेंटेन रहता है। तो एक अकाउंटिंग के कारण ही, अदरवाइज अगर हम अकाउंटिंग कवर न करें तो हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं रहता है कि कंपनी 1980 में क्या थी और 2021 में क्या पोजिशन है, हम ये इस चीज़ को नहीं जान पाएंगे एक्चुअल पोजिशन क्या है। तो रोल ऑफ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, अकाउंटिंग इज व्यूड एज क्रोनोलॉजिकली रिकॉर्ड ऑफ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफाइड रूल्स, जो भी हमारे स्पेसिफाइड रूल्स रेगुलेशन हैं उसके अकॉर्डिंग हम कंपनी को स्टेब्लिश करते हैं और कंपनी का अकाउंटिंग वर्क करते हैं। और चूंकि उसमें क्रोनोलॉजिकली रिकॉर्ड करते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन का, क्रोनोलॉजिकली का मतलब है डेट एंड डे वाइज हम किसी बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, जिसमें डेट, ईयर सब कुछ मेंशन रहता है, जिससे कि हमको पता चलता है कि कौन सा बिजनेस ट्रांजेक्शन हम किस ईयर में किस डेट को किए थे। तो एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड हमारे पास मेंटेन हो जाता है, जस्ट लाइक अ हिस्ट्री। हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि हिस्ट्री में क्या कौन सा इंसिडेंट किस डेट में हुआ था, तो उसका एक डेट और ईयर मेंशन रहता है। तो आप जान जाते हैं कि इस ईयर में 1947 में हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था। तो एक डेट डे ईयर है, उसका एक क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड है, तभी हम जान पाते हैं कि हमारे स्टेट में है। अदरवाइज अगर कोई हमारे पास रिकॉर्ड नहीं रहता, हम कैसे जानते कि 15 अगस्त को ही हमारा देश जो है इंडिपेंडेंट हुआ था। तो एक ये क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड है, वैसे ही हम जो कंपनी का अकाउंटिंग करते हैं, ये भी एक क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड।
कहें तो ये कंपनी का होता है अकाउंटिंग का होता है, जिसमें हम नेट प्रॉफिट को हम क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, निश्चित करते हैं कि कितना हमारी कंपनी प्रॉफिट अर्न की है। इट इज आल्सो रिगार्डेड एज अ मींस ऑफ डिटरमाइनिंग द ट्रू प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइजेस। नेक्स्ट है रोल ऑफ डिटरमाइनिंग द फाइनेंशियल पोजिशन। तो ये भी हम रिकॉर्ड करते हैं कि हमारी कंपनी की क्या फाइनेंशियल पोजिशन है, किस किसके द्वारा, जब हम बैलेंस शीट का प्रिपरेशन करते हैं तो उससे पता चलता है कि पास प्रीवियस ईयर में क्या एसेट क्या लाइबिलिटी थी और करेंट ईयर में क्या उसकी एसेट और क्या लाइबिलिटी है। तो इस कंपनी का वास्तविक फाइनेंशियल पोजिशन क्या है, क्या वित्तीय स्थिति है, ये इसके बारे में बताता है। नेक्स्ट है रोल ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो अभी प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था आपको कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कितने यूजर्स हैं और इंफॉर्मेशन सिस्टम कैसे तैयार किया जाता है। तो मैंने बताया था आपको अकाउंटिंग इज नाउ रिगार्ड एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम बिकॉज इट इज कैपेबल टू प्रोवाइड द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन व्हिच मैनेजर्स एंड अदर इंटरेस्टेड पार्टीज रिक्वायर टू द टेकिंग एप्रोप्रिएट डिसीजंस। तो जो अकाउंटिंग के थ्रू जो हम एक इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स के लिए जो रिपोर्ट हम तैयार करते हैं वो कितना उनके लिए बेनिफिशियल है, कितना इंटरेस्टेड है उसमें, तो ये चीज़ जिससे कि वो फ्यूचर में जो प्लानिंग कर सके कंपनी के बारे में या फ्यूचर में कोई डिसीजन लेना तो डिसीजन मेकिंग में भी उनको हेल्प मिलता है। नेक्स्ट आपका रोल ऑफ सर्विस प्रोवाइडर। तो कंपनी ऑलरेडी अकाउंटिंग के कारण जो एक सर्विस प्रोवाइड कर सर्विस एक्टिविटीज बिकॉज टू प्रोवाइड क्वालिटेटिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन विच इज यूजर्स ऑफ इन डिफरेंट प्लेस। तो विभिन्न तरीकों से वो इस तरह से रिपोर्ट इश्यू करती है, रिपोर्ट बनाती है जो काफ़ी हम लोगों के लिए जो हम जैसे कस्टमर या एम्प्लॉइज या ओनर्स या मैनेजर या क्रिएटर्स या गवर्नमेंट या टैक्स अथॉरिटीज जो भी होते हैं वो कैसे उनके लिए हेल्पफुल होते हैं, तो ये सर्विस प्रोवाइडर भी है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एडवांटेज और यूजेस ऑफ अकाउंटिंग। क्या हमारे अकाउंटिंग के क्या एडवांटेज है और क्या उसके यूजेज है, इस बारे में भी आपको जानना बहुत जरूरी है। तो अकाउंटिंग ऑफर्स द फॉलोइंग एडवांटेज। कौन कौन से एडवांटेज है इसका, तो हेल्पफुल मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। तो पहला चूँकि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इशू करती है कंपनी जो कि मैनेजमेंट के लिए उनके डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, तो मैनेजमेंट नीड्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द एफिशिएंट रनिंग ऑफ बिजनेस। All such information is provided by accounting, which helps the management in the following. तो कैसे वो मैनेजमेंट को हेल्प करता है, तो पहला हेल्प करता है मैनेजमेंट को हेल्पफुल इन प्लानिंग। तो मैंने बताया था कि जो अकाउंटिंग रिपोर्ट होती है जो कंपनी को स्मूथ रनिंग करा सके, इसके लिए जो अकाउंटिंग रिपोर्ट होती है उसके लिए क्या स्मूथ रनिंग के लिए क्या हमको प्लानिंग करनी चाहिए, वो प्लानिंग में हेल्प करता है। मैनेजमेंट वुड लाइक टू नो वेदर द सेल्स और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एंड ऑल्सो द स्पीड ऑफ इंक्रीजिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ऑल सच इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाई द अकाउंटिंग विच हेल्प द मैनेजमेंट इन एस्टिमेटिंग द फ्यूचर सेल्स एक्सपेंसेस। इट ऑल्सो हेल्प देम टू एस्टिमेट द कैश रिसीप्ट एंड कैश डिसबर्समेंट ड्यूरिंग द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। तो इस तरह से क्या होता है कि जो हमारी कंपनी होती है, जो हमारे मैनेजमेंट होते हैं कंपनी के, तो कंपनी के मैनेजमेंट इस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के हेल्प से कि सेल्स में कितना इंक्रीजिंग हो रहा है और सेल्स में कितना डिक्रीजिंग हो रहा है, प्रॉफिट में कितना इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है और एक्सपेंसेस को कैसे कम किया जा सके। क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है किसी कंपनी का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम अर्न मोर प्रॉफिट एट मिनिमम कॉस्ट, हम कम से कम लागत में अधिक से अधिक प्रॉफिट कैसे अर्न कर सके, उन चीज़ों को वो कंट्रोल कर सके। हेल्पफुल डिसीजन मेकिंग, तो मैंने बताया था कि मैनेजमेंट को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या करता है, उनको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है जो कि ड्यूरिंग द ईयर उनको लेना चाहिए, क्या डिसीजन लेना चाहिए जिसे कंपनी के लिए काफी बेनिफिशियल हो। नेक्स्ट आपका हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग। तो कंपनी का सबसे मोस्ट किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट का जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होता है वो होता है कंट्रोलिंग। इट इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो ये कंट्रोलिंग के फंक्शन में इनको काफ़ी हेल्प मिलता है। मैनेजमेंट वुड लाइक टू सी दैट द कॉन्स्टिकल
is reasonable and that no department is overpending accounting periods of information to the management in the regard to management को controlling कैसे किया जाए, expenses पे, cost of production पे कैसे control किया जाए, कैसे हम goods के standard को maintain करें, इस तरह के और कैसे employees को control कर सके, इस तरह की चीज़ें हम management में help करता है company. Next बात करें तो provide complete and systematic record, क्योंकि accounting का जो record होता है वो एक chronologically record किया जाता है और chronologically record करने से हमको एक systematic record business transactions have grown in size and completely and it is not possible to remember it. Remember it and every transaction accounting keeps a prompt and systematic record to all the transactions and summarizes them in order to provide a true picture of activities of the business entity. तो ये accounting record चूंकि chronologically होता है तो हम चूंकि जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं ड्यूरिंग द ईयर हम क्या ट्रांजेक्शन किए हम सब कुछ अपने याद नहीं रख सकते हैं और उसको हम एक रीजन हम अकाउंटिंग कर लेते हैं कि किस डेट को कौन सा ट्रांजेक्शन अगर हुआ है तो उसका एक हमारे पास रिकॉर्ड मेंटेन हो जाता है जो कि हमको फ्यूचर में बिजनेस एक्टिविटीज का एक्चुअल पिक्चर हमको देखने को मिल जाता है. नेक्स्ट आपका इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि अकाउंटिंग के वर्क में हम फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने से हमको कितना एक्चुअल प्रॉफिट हुआ, कितना पिछले वर्ष प्रॉफिट हुआ, कितना इस वर्ष प्रॉफिट का टारगेट रखा है, तो इस तरह से प्रॉफिट के लॉस के रिगार्डिंग जो हमारा अकाउंटिंग होता है वो हमको प्रोवाइड हो जाता है. Accounting reports the net result of business activities of an accounting period, the profit or loss account prepared at the end of each accounting period discloses the net profit earned or loss suffered during that period. The information regarding profit is of great use to the owners and various other interested parties. तो इस तरह से जो हमारा profit loss account होता बनाते हैं उसमें हम कितना कंपनी प्रॉफिट अर्न की है, कितना लॉस से सफर कर रही कंपनी, इसका नॉलेज हमको हो जाता है जिससे और उसी के हिसाब से हम अकाउंटिंग रिपोर्ट इशू करते हैं जो वेरियस जो यूजर्स है हमारे उनके लिए काफी बेनिफिशियल. नेक्स्ट हम बात करें हेल्पफुल इन असेसमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटीज, हमको कितना टैक्स पे करना है गवर्नमेंट को, तो उस हिसाब से हमारा अकाउंटिंग रहता है, अकाउंटिंग कवर कर कंप्लीट किए रहते हैं तो अकाउंटिंग कवर से हमको एक्चुअल प्रॉफिट का पता चलता है और उस प्रॉफिट के बेस से ही हमको कितना टैक्स पे करना है. सेल्स का इंफॉर्मेशन रहता है, परचेज का इंफॉर्मेशन रहता है जिससे हमको कितना GST पे करना है गवर्नमेंट को, ये चीज़ का आपको नॉलेज हो जाता है. नेक्स्ट है एविडेंस इन लीगल मैटर्स, जो कभी कभी अगर कंपनी को कोई लीगल डिस्प्यूट हो जाता है, कोई कानूनी कार्रवाई की जाती है कंपनी पर, तो उस समय भी कंपनी के पास एक क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड आता है जिसको वो कोर्ट में पेश करके एक लीगल मैटर में भी उसको हेल्प मिल जाता है. या कंपनी अगर सेल की जा रही है तो कंपनी सेल कर रही है तो उसका एक अकाउंटिंग रिकॉर्ड रहता है जिससे कंपनी का एक्चुअल वैल्यूएबल प्राइस पता चलता है कि कितने में कंपनी को बेचा जा सकता है या खरीदा जा सकता है, इस तरह की चीजें. नेक्स्ट आपका फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस, और कभी हम बिजनेस को सेल करना चाहते हैं तो हम सेल करने में भी सुविधा होती है. नेक्स्ट आपका हेल्पफुल इन रेजिंग लोन्स, कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन से पता चलता है और कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन जो एक्चुअल पोजीशन होती है उससे चूंकि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जैसे बैंक है, लोन प्रोवाइडर जितने भी इंस्टीट्यूशन है वो उनके जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट का जो रिपोर्ट होता है उसको देख करके उनको लोन प्रोवाइड आसानी से कर देते हैं. नेक्स्ट है आपका 10 हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट, कभी कभी कोई कंपनी सिर्फ सिंगल ओनर से नहीं, कई लोग मिलकर के कोई कंपनी बनाते हैं या बिजनेस इंस्टीट्यूशन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ओपन करते हैं, तो ऐसे में पार्टनरशिप अकाउंटिंग में भी ये हेल्प करता है. अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स प्रोवाइड ऑल द इंफॉर्मेशन नीडेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ द पार्टनर, रिटायरमेंट डेथ ऑफ द पार्टनर एंड डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ द फर्म आल्सो वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स. तो ये जो पार्टनरशिप अकाउंट है आप जब 12th में जाएंगे तो 12th में पढ़ेंगे
तो ये पार्टनरशिप अकाउंट में भी हम अकाउंटिंग ये हेल्प करता है. नेक्स्ट आपका हेल्पफुल प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स. तो अकाउंटिंग का अगर आप उसकी रिकॉर्ड रखते हैं तो कौन कितना फ्रॉड कर रहा है इसकी भी जानकारी रख सकते हैं, उन पर रोक लगा सकते हैं. तो अकाउंटिंग के रिकॉर्ड से हमको ये पता चलता है कि कंपनी साल का एक फ्रॉडनेस तो नहीं हो रहा है, कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहा है या कोई घोटाला तो नहीं कर रहा है. तो इस तरह से कंपनी को हम फ्रॉड से या किसी प्रकार की गलतियों से हम रोक सकते हैं. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.